डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज। महाराजगंज जिले में प्रशासन ने मंगलवार देर शाम को ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की आरक्षण सूची जारी कर दी, जहां ब्लॉक प्रमुख के 5 व जिला पंचायत सदस्य के 17 पद अनारक्षित किए गए हैं। वहीं इस बार जिले के 882 ग्राम में से 297 गाँव की प्रधानी महिलाओं के हाथ में रहेंगी, जबकि 307 गाँव में प्रधान का पद अनारक्षित किया गया है। जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि पूरी तरीके से पारदर्शिता को रखते हुए और शासनादेश के अनुसार ही आरक्षण सूची बनाया गया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद जिले के हर ब्लॉकों में सूची को चस्पा कर दिया गया है, जिसको देखते हुए जनपद की पुलिस भी काफ़ी सक्रिय दिख रही है। डॉग टाइम्स न्यूज़ के लिए सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। बस वहीं रहो, वहीं पे शासन से जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे उसके क्रम में हम लोगों ने जिला पंचायत सदस्यों का, बीडीसी सदस्यों का, इसके अलावा ग्राम प्रधानों का और ग्राम पंचायत के वार्डों का आरक्षण का निर्धारण किया गया है। उसमें जो हमें शासनादेश में निर्देश प्राप्त हुए थे उसका अक्षरशः अनुपालन कराया गया है। इसकी जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखा है और उसको अभी सभी विकास खंडों में चस्पा कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर्स को दिया जाएगा, जिससे कि उसका प्रकाशन हो सके। और इसमें यही चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ जो जनसंख्या का निर्धारण किया गया था 2011 की, उसके आधार पर रैपिड सर्वे की जनसंख्या के आधार पर और जो हमें आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे उनके आधार पर और शासन के जो निर्देश थे उनका अनुपालन करते हुए हम लोगों ने इसका आज ही निर्धारण किया है और उसको सूची को चस्पा की जा रही है। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।